नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ हरियाणा सरकार के ओबीसी नॉन क्रिमिनलेयर के संबंध में निकाली गई नई अधिसूचना की, जो हरियाणा सरकार के गजट में 16 जुलाई को छपी है। उस गजट का नंबर है एक्स्ट्राऑर्डिनरी गजट है 107-2024/EXT दिनांक 16/7/2024। मैं चाहूँगा कि यह सामाजिक न्याय के संघर्ष का परिणाम है कि 1993 के बाद से लेकर 2024 तक हरियाणा में चाहे जिस पार्टी की सरकार रही हो, इन लोगों ने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि हरियाणा सरकार वर्ष 1993 के आदेश में, जो केंद्र सरकार का आदेश है जिसमें रूल ऑफ एक्सक्लूशन है कि कौन लोग क्रीमी लेयर में आएंगे, और उसमें जो इनकम का क्राइटेरिया है कि सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम को काउंट नहीं किया जाएगा, साथ ही जो माता पिता की आय होगी उसको देखा जाएगा, वो भी अन्य स्रोत से आए वेतन को छोड़कर। दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि हरियाणा सरकार कहिए कि 31 सालों तक इसमें संशोधन नहीं कर पाई, चूंकि इनका जो नोटिफिकेशन था वो ये था कि फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस। ये तो मजाक था कि जब भारत सरकार ने 1993 में 8 सितंबर को यह घोषित कर दिया कि क्या क्राइटेरिया होगा, तो विभिन्न राज्यों में जो राज्य सरकारी सेवाओं में आरक्षण थे उनमें जो भी क्राइटेरिया रहे हों सभी राज्य सरकारों ने अपने यहाँ संशोधन कर दिया, लेकिन हरियाणा सरकार, वो भी खासकर जो 2010 से लेकर जो अभी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इसने तो और भी एक कदम और आगे बढ़ा दिया कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा था अदर बैकवर्ड क्लासेस के नॉन क्रिमिनलेयर के संबंध में, कि चूंकि 6 लाख का क्राइटेरिया जो 2017 का था भारत सरकार का, उसको भी उसने संशोधित नहीं किया था, ये जिद थी, और उसने विरोध किया जाकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं, हमारा जो क्राइटेरिया है यही रहेगा, और आज भी वही स्थिति थी। ये तो धन्य मानिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया है, और हरियाणा में चूंकि भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों से उतरकर 5 सीट पर आ गई है, तब वो सोचने को मजबूर हुई है। और एक जो बैकवर्ड क्लासेस का संगठन है हरियाणा में, उनकी एक सभा में वहाँ के मुख्यमंत्री जी गए थे और वहाँ इन्होंने घोषणा की थी कि हम यहाँ पे संशोधन करेंगे, और मुझे बहुत ही खुशी है, चूँकि मैंने भी एक वीडियो बनाया था लास्ट ईयर कि हरियाणा सरकार इस देश का एकमात्र राज्य सरकार है जो सैलरी को ही इंक्लूड कर रहा है, वो भी फ्रॉम ऑल सोर्सेज। तो अदर बैकवर्ड क्लासेस के नॉन क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट था वही नहीं अपनाया जा रहा था हरियाणा में। अब मैं समझता हूँ कि हरियाणा के जो अन्य पिछड़े वर्ग के जो भी योग्य उम्मीदवार हैं उनको ये फायदा होगा, और वे नॉन क्रिमिनलेयर सर्टिफिकेट बनवा पाएंगे, और वो भारत सरकार की सेवाओं में और हरियाणा की राज्य सरकार की सेवाओं और दोनों जगह के शिक्षण संस्थाओं में अपने ये आरक्षण का विशेष अवसर के सिद्धांत का लाभ उठा पाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा तो आप निश्चित तौर पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।